स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, सीबीएसई की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर रिलीज हो गया, आप सबके लिए बड़े खुशी की बातें हैं। एसओपी आपके एग्जाम्स की रिलीज हो गई और उसमें क्या अच्छी बात है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम की प्रैक्टिकल एग्जाम। अब समझो कि अब आपके पास टाइम बचा नहीं है ज्यादा, आप देख सकते हो कि 2025 में जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आ गए हैं और स्कूल्स को कहा गया है कि स्कूल्स को पूरी तरीके से रेडी होना होगा, बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना होगा कि आपके स्कूल में एग्जाम कंडक्ट होने वाला, और स्टूडेंट्स को भी बिफोर हैंड बता दिया जाएगा कि कब आपका प्रैक्टिकल होना, और स्कूल के पास सारे इक्विपमेंट्स रेडी होने चाहिए। अच्छी बात यह है कि 10th वालों के लिए एक्सटर्नल्स नहीं है और स्कूल को ही रीजनल ऑफिस तक में देने की जरूरत नहीं है, स्कूल्स वाले ही डिसाइड करेंगे आपके नंबर। तो ये 10th वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। 12th वालों के लिए है कि देखो एक्सटर्नल आएंगे, बट हर बार हर स्कूल में ये चीज होता है कि स्कूल्स की जान पहचान होती है सारे एक्सटर्नल से, और वो जो नहीं भी होती है ना तो आके वो कॉर्डियल हो जाते हैं और जो आपके स्कूल के टीचर चाहते हैं वही नंबर वो डालते हैं। तो ये बात तो है कि अगर आपके अपने जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके साथ अच्छे टर्म्स हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो टू ब्रिंग इन यूनिफॉर्मिटी एंड इंस्ट्रक्शंस एसओपी डाल दिया गया है कि हर स्कूल का एक ही प्रोसेस हो। सीबीएसई अगर देखती है कि कोई स्कूल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है तो सीबीएसई स्कूल्स को एफिलिएशन उसका कैंसिल भी कर देती है। तो ये एसओपीज जो है वो फॉलो करने हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपका बस यही है कि ये जो सर्कुलर है एक्शंस आपके तरफ से क्या होने चाहिए। फर्स्ट बस एक दिक्कत है, 1 जनवरी जो है हर कोई चाहता है उस दिन छुट्टी ले, नया साल पहला दिन, उस दिन आपके स्कूल में आपका इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल होगा। जरूरी नहीं है हर बच्चे का हो क्योंकि बैच वाइज करते हैं, बट कुछ ना कुछ बच्चों का तो पकड़ाएगा, ठीक, क्योंकि वो स्टार्ट होगा 1 जनवरी से जो कि वेडनेसडे पड़ रहा है। तब आपके स्कूल वाले क्या करने वाले हैं, स्कूल वालों को इंश्योर करना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का सिलेबस वो कंप्लीट कर दें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसका रिजल्ट होता है, जब तक आप करेंगे नहीं एक्सपेरिमेंट आपको पता नहीं चलेगा ना कि ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसे आएगा। सो एक्सपेरिमेंट स्कूल वाले बच्चों को करवाएंगे, ये स्कूल की जिम्मेदारी है। स्कूल्स को इंश्योर करना है कि उन्होंने सारे प्रिपरेशन कर लिए हैं, स्टॉकिंग ऑफ लैब्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल एग्जामिनर्स। आपके स्कूल के जो लैब इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वही आपके इंटरनल एग्जामिनर्स भी होंगे। तो 10th वालों आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपका जो एग्जाम है वो आपके ही स्कूल के टीचर्स लेंगे। अगर किसी की इमेज खराब बनी हुई अपने साइंस टीचर्स के सामने तो अच्छी कर लो। अटेंडेंस तो बस आपको 75% चाहिए और वो भी दैट ऑल्सो 31st दिसंबर तक। तो अटेंडेंस की फिक्र नहीं है, अभी जाकर के अगर मान लो नंबर खराब भी आते हैं इंटरनल आपके स्कूल वाले एग्जाम्स में, स्कूल वाले एग्जाम के नंबर का थोड़ा सा असर होता है टीचर पर, अगर स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आप अच्छे नंबर लाते हो तो टीचर की नज़र पे वो बच्चे होते हैं कि भाई इनको तो नंबर देना है, और जो बच्चे खराब लाते हैं उनके लिए होता है कि एक आधा नंबर काटने वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे सपोज 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है तो ये 17 से 20 तक देंगे, उससे नीचे जनरली नहीं जाते हैं। तो 17-18 किस बच्चे को देंगे, जो बच्चा थोड़ा सा पुअर परफॉर्म करेगा, नहीं तो 90-20 फुल ही देते हैं ज्यादातर बच्चों को। बेशक सीबीएसई हर बार बोलती है कि भाई सबको क्यों दे दिया, बट स्कूल्स चाहते हैं उनका अपना मार्क्स अच्छा रहे। तो अगर आपके अच्छे टर्म्स हैं तो आपको नंबर मिलेंगे अच्छे, और अगर आपके स्कूल्स के एग्जाम्स में आपने अच्छे परफॉर्म किए हैं तो वो श्योर शॉट है कि आपको नंबर मिलेंगे। नहीं तो टीचर से बात कर लो कि सर हमने उतनी अच्छी तैयारी तो करी भी नहीं है, अगर इंटरनल में भी कट जाएंगे नंबर तो हमारा परसेंटेज ड्रॉप हो जाएगा। तो टीचर विल टेक केयर, फुल देना दे, एक नंबर काटेंगे मैक्सिमम। अब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनमें किनका एग्जाम होगा, जिनका नाम एलओसी में आपका आया होगा। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ही सीबीएसई जो है वो आपको, आपका जो स्कूल है वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए कि कब किसको देना है वो करना है, और ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू एलओसी जनरेट हो चुका है, ठीक है। और सफिशियंट नंबर ऑफ प्रैक्टिकल आंसर बुक्स जो है अब वो आपका स्कूल नहीं देगा, वो सीबीएसई वाला होता है जो प्रैक्टिकल बुक आपको पढ़ना है। आंसर बुक हैज बीन रिसीव्ड इन द स्कूल बिफोर द डेट, आपके जो आंसर बुक्स हैं वो रिसीव हो जाने चाहिए, ठीक है। मार्क्स, और ये बड़ी अच्छी बात है, मार्क्स और प्रैक्टिकल एग्जाम मस्ट बी अवॉर्डेड ओनली फॉर करेक्ट मैक्सिमम मार्क्स। देखो यहाँ पे सारे बच्चे सही लिखते हैं, एक दूसरे की कॉपी भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबके मार्क्स सही आते हैं और आपके स्कूल के टीचर ही देते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। इन केस ऑफ एनी शॉर्टकमिंग इज ऑब्जर्व्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अबव पॉइंट, फिर स्कूल रीजनल ऑफिस को कॉन्टैक्ट करेगा, अदरवाइज आपके नंबर वंबर सब स्कूल वाले देंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर स्टूडेंट्स। 12th वालों के साथ देखो थोड़ा सा एक्सटर्नल का पंगा होता है, बट एक्सटर्नल्स आर नॉट देयर टू डिस्करेज यू,
वो आपको अच्छे नंबर देके जाते हैं, क्योंकि आपके टीचर अगर जानते कि बच्चा अच्छा है, जो 12th में है वो 10th में भी, ज्यादातर बच्चे उसी स्कूल में पढ़े होते हैं या नए भी होते हैं, तो टीचर परफॉर्मेंस देख करके जानते हैं कि बच्चा तो अच्छा है। तो टीचर आपके अगर जानते हैं, उनकी नज़र में आप हो कि ये अच्छा स्टूडेंट है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। नहीं तो आप बात करके अपने टीचर से कोशिश कीजिए कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर वो दिलवा दें, क्योंकि एक्सटर्नल होते तो है बट डिसाइड इंटरनल ही करता है। स्कूल के प्रिंसिपल इंश्योर करेंगे दैट करेक्ट मार्क्स हैव बीन अपलोडेड। तो आपके प्रिंसिपल के हाथ में भी होता है कि सही से आपके नंबर अपलोड हो जाए, करेक्ट, एज पर द लिंक गिवन। आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस से वेल अवेयर होना है कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक, उस हिसाब से तैयारी करके जाओगे। स्टूडेंट मस्ट अपीयर इन प्रैक्टिकल एग्जाम एज पर द स्केड्यूल। एक इंपॉर्टेंट बात यह है जिसको भूलना नहीं है कि आपको दोबारा चांस नहीं मिलता। अगर आप एबसेंट कर गए, एक्शन बाय स्टूडेंट ये होता है कि बेटा आप एबसेंट मत कर देना, नहीं तो आपको फिर रिपीट एग्जाम्स का चक्कर लगेगा, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट बनने से बचो। स्टूडेंट शुड अपीयर इन प्रैक्टिकल एग्जाम एज पर द स्केड्यूल, नो सेकेंड चांस टू अपीयर। आपको सेकेंड चांस नहीं मिलता, तो इसीलिए जो आपका अलॉटेड डेट है उसमें आप एग्जाम दे देना, पार्टिसिपेट करना इज मस्ट। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर आपके साथ सच में कोई हेल्थ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो यू शुड कॉन्टैक्ट योर स्कूल, अपने स्कूल में कॉन्टैक्ट कर लो। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, बहुत ही एक्सट्रीमली मेडिकल कोई कंडीशन है जिसमें आप अपीयर नहीं हो पाया, तो स्कूल आपको चांस देगा, लेकिन आप एबसेंट नहीं कर सकते ऐसे। रीजनल ऑफिस का तो यही काम है कि वो स्कूल में जो भी प्रोसेसेस हैं, तैयारियां हैं, वो देख लें कि तरीके से है कि नहीं है, एक्सटर्नल कौन जाएगा, वो सारी जिम्मेदारी रीजनल ऑफिस की है, ठीक। बाकी आपको अच्छे से पढ़ के एग्जाम देना है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों आज मैं आप सबके सामने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ। जिन बच्चों को क्लास 12th केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स करना है, ठीक है, क्रैश कोर्स, क्योंकि अब जो रेगुलर बैचेज हैं वो ऑलरेडी अब फाइनल मोड में आ गए हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो नया बैच है वो आपको 2nd of January से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, और ये टेल एग्जाम चलने वाला है आपका, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपको 2 महीने का मिल ही जाएगा, जिसमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन का क्लास होगा और वाया जूम क्लासेस होंगी। आप इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे मुझे बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कोर्स फीस इज ओनली ₹1000 फॉर द एंटायर कोर्स, ठीक है। अगर आपको लाइव क्लासेस पढ़नी है तो आप ₹1000 दे सकते हैं। अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए प्लस कॉन्टेंट, तो यू जस्ट नीड टू पे ओनली ₹500। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं एंड कॉन्टेंट्स विल बी गेटिंग। सो आपको इसमें से जो भी चाहिए आप इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकते हैं, इधर दिस और दिस। आप मैसेज करिए या फिर ईमेल कर दीजिए, बट आप कॉल मत करना, क्योंकि आई वोंट बी एबल टू टेक सो मेनी कॉल्स। आपको मैं रिस्पॉन्ड जरूर कर दूंगी मैसेज पे, क्योंकि यहाँ पर 2-way कम्युनिकेशन होगा, लाइव क्लासेस भी होती हैं, प्लस यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, डाउट सेशंस होंगे, और जो आपके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, दैट ऑल विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो आप जल्द से जल्द बैच ज्वाइन करने के लिए मुझे SMS कीजिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।